एक तरफ देश के तमाम शहरों के थिएटर में शाहरुख खान का जलवा दिखाई दे रहा है, जवान का डंका बज रहा है, तो दूसरी तरफ सुरेश चव्हाण के जैसे एंकर शाहरुख खान के विरोध पर उतर आए और एक तरह से अभियान छेड़ दिया है। सुरेश चव्हाण के कहते हैं कि शाहरुख खान की पीआर एजेंसी जवान की सफलता को लेकर झूठ फैला रही है। सुरेश चव्हाण के ने जनता से रिएक्शन मांगते हुए और शाहरुख खान के प्रति अपनी नफरत दिखाते हुए कहा, बुजुर्ग शाहरुख खान के जवान बनने को पसंद नहीं किया गया। शाहरुख खान की जवान का फर्स्ट डे फर्स्ट शो एसआरकेएन के लिए चिंता का विषय है। जवान रिव्यूज मुझे भेजते रहे। सुरेश चव्हाण के ने दर्शकों से जवान का रिव्यू मांगा तो शाहरुख खान के फैन ने बर्नोल दिखा दी और संदेश दे दिया कि आपकी नफरत शाहरुख खान की मोहब्बत के सामने हार गई है, और फिल्म को ब्लॉकबस्टर बताते हुए बॉयकॉट गैंग का मजाक उड़ाते हुए कहा कि आज जिस तरह जवान को शानदार ओपनिंग मिली है, बर्नोल आउट ऑफ स्टॉक हो गई है, अगर किसी को जरूरत है तो मैं दे सकता हूँ। सईद इरफान अहमद नाम के शाहरुख खान के फैन का बॉयकॉट गैंग को बर्नोल दिखाना सही भी दिखाई देता है, क्योंकि जब देश के तमाम शहरों में जवान के लिए जबरदस्त क्रेज दिखाई दे रहा है तो सुरेश चव्हाण के जैसे सुदर्शन न्यूज के संपादक अभियान चला रहे हैं कि ये तो शाहरुख खान के पीआर का कमाल है। यही वजह है कि सुरेश चव्हाण के जैसे एंकर अकेले पड़ गए हैं और इस बार साध्वी प्राची जैसे हारे हुए योद्धाओं का साथ नहीं मिल पा रहा, क्योंकि साध्वी प्राची और सुरेश चव्हाण के जैसे लोगों ने पठान का भी जबरदस्त विरोध किया था, लेकिन पठान सुपरहिट हो गई। शायद इसीलिए साध्वी प्राची ने शाहरुख खान के सामने हथियार डाल दिए। आप शाहरुख खान के जलवे के सामने बॉयकॉट गैंग के ऐसे हालात पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।